ओम साई राम। आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है और हम आपको श्री साई सचित्र का 12वां अध्याय सुनाएंगे। साई सचित्र सुनना बड़ा अच्छा होता है, अगर आपने पूरा सुन लिया और अगर रोज श्रवण करते रहे तो आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस अध्याय में हम आपको काका महाजनी के बारे में बताएंगे, धुमाल वकील के बारे में, श्रीमती निमोनकर, फिर नासिक के मूले शास्त्री और एक डॉक्टर के द्वारा बाबा की लीलाओं का जो अनुभव हुआ है वो आपको बताने वाले हैं कि बाबा किस प्रकार से भक्तों से भेंट करते और कैसा बर्ताव करते थे, इसका वर्णन हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले संतों के जो कार्य होते हैं वो मैं आपको बता दूं। हम और आप देख चुके हैं कि ईश्वरीय अवतार का ध्येय साधु जनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना है, परंतु संतों का कार्य तो सर्वथा भिन्न ही है। संतों के लिए साधु और दुष्ट प्राय सब एक समान ही है। यथार्थ में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता होती है और वे उन्हें उचित पथ पर लगा देते हैं। वे भव सागर के कष्टों को सूखने के लिए अगस्त के सदृश हैं और अज्ञान तथा अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान है। संतों के हृदय में भगवान वासुदेव निवास करते हैं, वे उनसे पृथक नहीं है। सिसाई भी उसी कुटी में है जो कि भक्तों के कल्याण के निमित्त ही अवतरणीय हुए थे। वे ज्ञान ज्योति स्वरूप थे और उनकी दिव्य प्रभा अपूर्व थी। उन्हें समस्त प्राणियों से समान प्रेम था। वे निष्काम और नित्य मुक्त थे। उनकी दृष्टि में शत्रु मित्र राजा भिक्षु सब एक समान थे। उनका यश श्रवण करना चाहिए। भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्य गुण समूह पूर्णतः प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास पहुंच ही नहीं सकता है और ये तो प्रायः हर जगह का है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी आप उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं, जब तक बुलावा नहीं आएगा आप कहीं नहीं जा सकते। यदि बाबा उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए हैं या किसी का शुभ कर्म उदित नहीं हुआ है तो उन्हें बाबा की स्मृति भी कभी नहीं आई और ना ही उनकी लीलाएं उनके कानों तक पहुंची। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो बाबा चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को सुनो, अन्यथा आप नहीं सुनोगे कभी भी। फिर बाबा के दर्शनों का विचार आपके मन में कैसे आएगा जब तक आप सुनोगे नहीं। तो अनेक व्यक्तियों की साईं बाबा के दर्शन की इच्छा होते हुए भी उन्हें बाबा के महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त ना हो सका और आज भी जब तक बाबा का बुलावा नहीं आएगा आप नहीं जा सकते। अतः ऐसे व्यक्ति जो दर्शन लाभ से वंचित रहे हैं यदि वे श्रद्धापूर्वक साई लीलाओं का श्रवण करेंगे तो उनके साई दर्शन की इच्छा बहुत कुछ सीमा तक तृप्त हो जाएगी। भाग्यवश यदि किसी को किसी प्रकार बाबा के दर्शन हो भी गए तो वहां अधिक ठहर नहीं सकता। इच्छा होते हुए केवल बाबा की आज्ञा तक ही रुकना संभव था और आज्ञा होते स्थान छोड़ देना आवश्यक हो जाता था जब तक वो जीवित थे। तो यह सब उनकी शुभ इच्छा पर ही अवलंबित था। एक काका महाजनी के बारे में आपको बताता हूं। एक समय काका महाजनी बंबई से शिरडी पहुंचे। उनका विचार एक सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव में सम्मिलित होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा, जब बाबा आज्ञा दें। बाबा ने अगले दिन जाने को कहा। बाबा के शब्द कानून थे जिनका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका महाजनी ने तुरंत ही प्रस्थान किया। जब वे बंबई में अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते पाया। मुनीम के अचानक अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने शिरडी को जो पत्र काका के लिए भेजा था वो बंबई के पते पर उनको वापस लौटा दिया गया। अब एक विपरीत कथा सुनिए। एक बार भाऊ साहेब धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे, उन्हें बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने वो शिरडी में एक सप्ताह और रुक लिया। इसी बीच निफाड़ के न्यायाधीश उधर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ा दिया गया। एक सप्ताह बाद भाऊ साहब के लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और चार न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया।
एक श्रीमती निमोणकर के बारे में आपको बताता हूं। श्री नाना साहब निमोणकर जो निमोण के निवासी और अवैतनिक न्यायाधीश थे, शिरडी में अपने पत्नी के साथ ठहरे हुए थे। निमोणकर तथा उनकी पत्नी बहुत से समय बाबा की सेवा और उनकी संगति में व्यतीत किया करते थे। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि उनका पुत्र बेरापुर में रोग से पीड़ित हो गया। तब उसकी माता ने वहां जाकर अपने पुत्र और अपने संबंधियों से मिलने और कुछ देर वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया, परंतु श्री नाना साहब ने दूसरे दिन ही उन्हें लौट आने को कहा। वे असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए, परंतु बाबा ने सहायता की। शिरडी से प्रस्थान करने के पूर्व बाबा के पास गई। बाबा साठेवाड़ा के समीप नाना साहेब और अन्य लोगों के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने जाकर चरण वंदना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनसे कहा, शीघ्र जाओ, घबराओ नहीं, शांत चित्त से बेरापुर में 4 दिन सुखपूर्वक रहकर सब संबंधियों से मिलो और तब शिरडी आ जाना। बाबा के शब्द कितने सामयिक थे। श्री निमोणकर की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द हो गई। नासिक के कर्मनिष्ठ अग्निहोत्र ब्राह्मण थे जिनका नाम मूले शास्त्री था। उन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था और ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र में पारंगत थे। वे एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहेब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गए। बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल तथा अनेक पदार्थ खरीदे और मस्जिद में उपस्थित लोगों ने उनको वितरित कर दिया। बाबा आम को इतनी चतुराई से चारों ओर से दबा देते थे कि चूसते ही संपूर्ण रस मुंह में आ जाता था तथा गुठली और छिलका तुरंत फेंक दिया जा सकता था। बाबा ने केले छीलकर भक्तों में बांट दिया, उनके छिलके अपने लिए रख लिए। हस्त रेखा विशारद होने के नाते मूले शास्त्री ने बाबा के हाथी की परीक्षण करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए। इसके बाद सब लोग बाड़े को लौट आए। अब मूले शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्र आदि में जुट गए। बाबा भी अपने नियमानुसार लेंडी को रवाना हुए। जाते जाते उन्होंने कुछ गेरू लाना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे, बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी के समझ में नहीं आया और कुछ समय के बाद बाबा लौटे। जब मध्यम बेला की आरती की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी, बापू साहेब जोग ने मूले से आरती में साथ करने के लिए पूछा। उन्हें उत्तर दिया कि वो संध्या समय बाबा के दर्शनों को जाएंगे। तब लोग अकेले ही जाने लगे और चले गए। बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। अब आरती प्रारंभ होगी। बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने को गए और बाबा का संदेश मूले शास्त्री को सुनाया। वो बुरी तरह से घबरा गए। वे सोचने लगे कि मैं तो अग्निहोत्र ब्राह्मण हूं, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है। माना कि बाबा महान संत है, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूं। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरी के महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी सरी के 1 करोड़पति लेने को आए हैं, तो वे अवहेलना कैसे कर सकते हैं। इसलिए वे अपने कृत्य को अधूरा ही छोड़कर तुरंत बूटी के साथ मस्जिद को गए। वे अपने को शुद्ध और पवित्र तथा मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ अंतर से खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु गुलब स्वामी विराजमान है। अपने गुरु को वहां देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। कहीं स्वप्न तो नहीं, और स्वप्न तो था नहीं, वो तो पूर्णतः जागृत है। परंतु जागृत होते हुए भी मेरे गुरु महाराज यहां कैसे आ पहुंचे। कुछ समय तक उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उन्होंने अपने आप को चिकुटी ली और पुनः विचार किया, परंतु निर्णय न कर सकी कि कैलाशवासी गुरु गोलभ स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहुंचे। फिर सब संदेह दूर करके वो आगे बढ़े और गुरु के चरणों में गिर करके हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूले शास्त्री अपने गुरु के नाम की गर्जना कर रहे थे। फिर सब जाति पाति का अहंकार और पवित्रता और अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों में पुनः गिर पड़े। उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप और उनकी अनिर्वचनीय शक्ति देखकर मूले शास्त्री आत्मविस्मित हो गए। उनके हर्ष का परावार न रहा। उनकी आंखें अश्रुपूरित होते हुए भी प्रसन्नता से नाच रही थी।
उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दी। मूल्य शास्त्री कहने लगे कि मेरे सब संत से दूर हो गए, आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हुए। बाबा की अद्भुत लीला देखकर सब भक्त और मूल्य शास्त्री द्रवित हो गए। तो बाबा ने जो कहा था गेरुलाल भगवा वस्त्र रंगेंगे, बाबा के शब्दों का अर्थ अब सबके समझ में आया। ऐसा अद्भुत लीला श्री साई बाबा की थी। एक समय एक मामलतदार अपने ही डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर कहना था कि मेरे इष्ट श्री राम है, मैं किसी यवन को मस्तक नमाऊंगा, अतः शिरडी जाने में असहमत थे। मामलतदार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने को कोई बाध्य नहीं करेगा और ना ही तुम्हें ऐसा कुछ करने को कहेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुंचे, बाबा को दर्शन को गए। तो डॉक्टर को ही सबसे आगे जाता देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस भांति एक युवक को दंडवत करने का कारण पूछा। डॉक्टर ने बताया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वो ऐसा कह ही रहे थे तब उन्हें साई बाबा का रूप पुनः दिखने लगा और वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या यह स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकता है? अरे अरे, ये तो पूर्ण योग अवतार है। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मस्जिद में कदापि न जाऊंगा। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक मित्र खानदेश से शिरडी आया। वे दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गए। नमस्कार होने के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा, आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे पधारे? यह प्रश्न सुनकर डॉक्टर दबित हो गए और उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर के निद्रा में परमानंद का अनुभव हुआ। वे अपने शहर लौट आए तो भी उन्हें 15 दिनों तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साई भक्ति कई गुना बढ़ गई। तो ये सब कथाएं की शिक्षा विशेषता मूल्य शास्त्री की यही है कि हमें अपने गुरु में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और बाबा की तरफ से ये है कि तुम जिस रूप में मुझे पूजोगे मैं तुम्हें उसी रूप में दिखूंगा। अगले अध्याय में हम बाबा के कुछ अन्य लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।